और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लालादव निरहुआ अब अभिनेता से नेता बन चुके हैं और वो अब आजमगढ़ से लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपनी तैयारी बड़े ही जोर शोर से करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, दिनेश लालादव निरहुआ आजमगढ़ पर बड़े ही जोर शोर से रैली करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके प्रमोशन के लिए भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार आजमगढ़ की धरती पर नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिसका इंतजार भोजपुरी दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे हैं। जी हां, मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो अब दिनेश लालादव निरहुआ के लिए सनी देओल भी वोट मांग सकते हैं। अभी आपको बता दें कि सनी देओल ने भी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। अब देखना ये होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक सनी देओल निरहुआ के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे या तो आने वाले कुछ दिन में कंफर्म होगा। लेकिन निरहुआ के लिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से बड़े बड़े सुपरस्टार आजमगढ़ की धरती पर नजर आ रहे हैं और निरहुआ की रैली को जमकर प्रमोट कर रहे हैं। आपको बता दें कि निरहुआ अपनी रैली में लोगों को जोरदार भाषण और अपने जोरदार गायकी से भरपूर मनोरंजन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि निरहुआ क्या लोकसभा चुनाव की सीट जीत पाएंगे या तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगी। वैसे आपको बता दें कि निरहुआ अखिलेश यादव के खिलाफ आजमगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर के बीच कौन सी बाजी मारते हैं। वो समाजवादी है, पर आप तो परिवारवादी हैं, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं और मुझे लगता है कि इतनी छोटी सोच के साथ आप इतने बड़े देश को नहीं चला सकते। जहाँ की अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अगर सबको साथ लेकर चलना है तो आपकी जो सोच है उसका दायरा बहुत बढ़ाना पड़ेगा। इतने छोटे सोच के साथ सिर्फ मेरी पत्नी लड़े, मेरा बेटा लड़े, मेरा चाचा लड़े, ये लोग सिर्फ सत्ता में काबिज रहे, इतनी छोटी सोच के साथ नहीं चल सकता। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा विनय जी, खासतौर पर ये बताइए कि जो रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों का अनुभव आपको अच्छा लगा है, तो दोनों में क्या अंतर लग रहा है? कोई अंतर नहीं है, वहाँ भी मैं मेहनत करता हूँ। वहाँ मुझे जब मौका मिला अभिनेता के रूप में तो मैंने 18-18 घंटे मेहनत किया, काम किया, लोगों ने पसंद किया, लोगों को अच्छा लगा। आज जब मुझे राजनीति में मौका मिला है, आज मैं 18-18 घंटे घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और उनका प्यार आशीर्वाद मुझे वैसे ही मिल रहा है जैसे फिल्मों में मिल रहा था। और हर कोई बच्चा हो बूढ़ा हो, हर कोई यही कह रहा है कि भैया ऑटोवा तो ही के देवल जाए। बस हमें क्या चाहिए, तो जो बोलने वाले जो ये दर्शक हैं ये सब आपके जिनको ऐसा लगता है कि लोग देखने आ रहे हैं उनको पता चल जाएगा। जब 23 तारीख को मतगणना होगी तो उनको समझ में आएगा कि बाप रे बाप ये क्या चल रहा था लोगों के बीच में, उनके दिल में जो है 23 तारीख को दिख जाएगा। मीडिया अच्छा कवरेज आपको दिखाई।